हारिस रौफ और पाकिस्तानी फैन की लड़ाई में कौन सही और कौन गलत? आखिर क्यों हारिस रौफ को लोग ये नसीहत दे रहे हैं कि आपको हार्दिक पांड्या से सीखने की जरूरत है? अब पिछले कुछ दिनों से हारिस रौफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। आई एम श्योर अब तक तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपने भी अपनी एक सोच तो बना ली होगी कि हारिस रौफ इस पूरे विवाद में सही थे या फिर वो फैन सही था। किसकी गलती थी, हारिस रौफ की गलती थी या उस फैन की गलती थी? लेकिन चलिए एक बार जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या हुआ। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि हारिस रौफ अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे, उसी बीच कुछ फैंस आते हैं और उसी में से एक फैन के साथ हारिस रौफ की बहस हो जाती है। थोड़ी देर तक उनकी बहस होती है जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच जाती है, और हारिस रौफ किसी के रोके नहीं रुकते और तुरंत दौड़ पड़ते हैं उस फैन को मारने के लिए। शायद अगर उस टाइम हारिस रौफ की पत्नी और सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते तो हारिस रौफ और उस फैन की झड़प हो जाती, बात मारपीट तक पहुंच जाती। लेकिन बाकी के जो लोग थे, हारिस रौफ की पत्नी थी, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन इसके बाद से एक बार फिर सोशल मीडिया पे ये डिबेट हुई कि इस पूरे विवाद में किसकी गलती थी, क्या गलती हारिस रौफ की थी या गलती उस फैन की थी। अब इस पूरे विवाद के बाद या जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हमने दो साइड सुनी इस पूरी स्टोरी की, हमने दो साइड सुनी। सबसे पहली साइड ये कहती थी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लिखा कि वो जो फैन था वो हारिस रौफ से एक सेल्फी मांगने गया था, एक सेल्फी मांगने गया तो हारिस रौफ ने इनकार कर दिया। मे बी वो बिजी थे अपने परिवार के साथ, कुछ पर्सनल स्पेस चाहते थे, उन्होंने फैन को सेल्फी लेने से इनकार कर दिया। ये बात शायद उस फैन को पसंद नहीं आई, उन्होंने हारिस को रूड कह दिया, कुछ और बातें कह दी, जिसके बाद हारिस रौफ को मे बी गुस्सा आ गया, वो उस फैन से बहस करने लगे। और इसी बहस में हारिस रौफ ने उस फैन से कहा कि तू इंडियन है। मतलब थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन वो लिटरली उस फैन से पूछते हैं तू इंडियन है, जिसके जवाब में वो फैन कहता है कि मैं इंडियन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो सिर्फ एक सेल्फी मांग रहा हूं आपसे। और जब से ये साइड सामने आई है तब से लोग हारिस रौफ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मतलब ठीक है जो कुछ भी विवाद हुआ उसको साइड में रखते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज हारिस रौफ के दिमाग में ये आई कि अगर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बहस की, तो ये इंडियन होगा। भला इस पूरे विवाद में इस बात का क्या मतलब हुआ कि तू इंडियन है या तू पाकिस्तानी है? मतलब फैन ने बदतमीजी की तो वो कोई भी हो सकता है, हारिस के मन में सबसे पहले ये बात क्यों आई कि वो इंडियन ही होगा? लेकिन उसके बाद जब उस फैन को पता चला कि वो उसे इंडियन बोल रहे हैं तो उसे और गुस्सा आ गया, वो एक पाकिस्तानी फैन था, सिर्फ एक सेल्फी मांगने आया था। तो हारिस रौफ को उसके बाद उन्होंने शायद कुछ बुरा भला कहा, कुछ ऐसी बातें कही जो कि हारिस रौफ को पसंद नहीं आई। ये पहली साइड थी। इसके बाद जब दूसरी साइड हमने सुनी तो हारिस रौफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पूरे विवाद को लेकर अपनी साइड बताई। हारिस रौफ ने कहा कि मैंने तय किया था कि मैं इस मामले को सोशल मीडिया पर नहीं लाऊंगा, लेकिन अब जब ये मामला सोशल मीडिया पे आ ही गया है, ये वीडियो इतना वायरल हो ही गया है, तो अब बात करनी बहुत जरूरी है। एक पब्लिक फिगर होने के नाते हम ओपन हैं फीडबैक के लिए, आप जो भी फीडबैक है हमें दे सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें हमारी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप मेरे माँ बाप की बात करेंगे, आप मेरे परिवार पर जाएंगे, तो फिर मैं सुनूंगा नहीं किसी की बातें। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए जितना खेल इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरा परिवार भी इंपॉर्टेंट है, और आपको उसकी इज्जत दिखानी होगी, उसकी इज्जत करनी होगी। आप मेरे प्रोफेशन की, मेरे परिवार की इज्जत करना सीखें। आप इस तरह की बातें अगर मेरे परिवार को लेकर करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और जब से ये स्टेटमेंट सामने आया, पाकिस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट्स और प्लेयर्स ने हारिस रौफ को डिफेंड भी किया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि यार फैंस को पता होना चाहिए, किसी भी क्रिकेटर की एक पर्सनल लाइफ होती है, आप मैच में खेलते हैं लेकिन मैच के बाहर एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, और आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एक बेसिक एथिक्स होते हैं, और इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। हसन अली ने भी उन्हें डिफेंड किया। हसन अली ने कहा कि ये पूरा वीडियो मैंने देखा ऑनलाइन, मुझे दुख हुआ ये देखकर कि हारिस को किस तरह से फैंस ने रिएक्ट किया, उनको लेकर बातें की। मतलब ठीक है यार, आप आलोचना करो, आप क्रिटिसिज्म करो, लेकिन एक हद तक, आफ्टर ऑल हम भी प्लेयर्स हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, आपको हमें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। लेकिन यार इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पे एक तीसरी साइड सामने आई जो ये बात कह रहे हैं कि यार आपको हार्दिक से सीखना चाहिए कि अपने फैन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फैन को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, और क्रिटिसिज्म झेलना किसे कहते हैं। क्योंकि 2 महीने पहले की बात है, याद कीजिए हार्दिक पांड्या ने क्या क्या नहीं सहा। हर स्टेडियम में वो जहां भी खेलने जाते थे, चाहे बैटिंग करें, बोलिंग करें, कैप्टेंसी करें, पूरा क्राउड उन्हें बू करता था। जब भी वो बस से बाहर आते थे, अपनी गाड़ी से बाहर आते थे, टीम के साथ ट्रेवल करते थे, तो लोग एक मौका नहीं छोड़ते थे हार्दिक को क्रिटिसाइज करने का, हार्दिक को क्रिटिसाइज करने का, उन पर मजाक उड़ाने का, उनको गालियां देने का। हम सब ने देखा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे क्राउड हो, चाहे ग्राउंड हो, हार्दिक कहीं भी जाते थे लोग उनका पीछा करते थे,
उनको बुरा भला कहते थे और उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें कहते थे जो कोई नहीं सुन पाएगा। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि हार्दिक पांड्या ने किसी को पलट कर जवाब दिया, किसी भी तरह का कोई जवाब दिया, मारपीट या बहस तो छोड़ दीजिए, हार्दिक एक स्माइल के साथ आते थे और सारे फैंस का जो क्रिटिसिज्म था वो बहुत पॉजिटिव वे में लेते थे। और इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि हारिस रॉफ, हार्दिक पांड्या से सीखो कि प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं, फैन को रिस्पेक्ट करना किसे कहते हैं। क्योंकि हार्दिक के साथ जो हुआ आपके साथ 1% भी नहीं हुआ, आपका फैन सिर्फ आपसे सेल्फी लेने आया था, इवेंचुअली वो आपका फैन है। मतलब हम कहीं भी ये जो मोमेंट है, ये जो भी हुआ, इसमें फैन को डिफेंड नहीं कर रहे। ऑफकोर्स ऑब्वियसली बात है कि आपकी क्रिकेट के अलावा भी लाइफ है, आपकी एक पर्सनल लाइफ है। हारिस रॉफ अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, उनको प्राइवेसी का पूरा हक है, ऐसे में आप सेल्फी ना भी देना चाहें तो एक तरीका होता है, आप नॉर्मली उसको रिक्वेस्ट कर सकते थे, उसको इनकार कर सकते थे। लेकिन जब आप अपने फैन के साथ बहस करें, बात मारपीट तक पहुंच जाए, आप हाथ तक उठाने लग जाएं, तो फिर ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। क्योंकि इवेंचुअली वो जो फैन था वो आप ही का फैन था, आपसे प्यार करता है, आपकी टीम से प्यार करता है, एक सेल्फी लेने आया। ठीक है, उसका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी तो किया। हार्दिक पांड्या को लेकर तो कितना कुछ हुआ, लोगों ने मजाक बनाया, मीम्स बनाए, उनका क्रिटिसिज्म हुआ, उनको गालियां दी गई। लेकिन हार्दिक पांड्या वही हार्दिक पांड्या है जो आज वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सारे हेटर्स हार्दिक पांड्या के फैन बन चुके हैं। तो इवेंचुअली एज अ प्रोफेशनल, एज अ रोल मॉडल, आपको ये सब चीज़ें हैंडल कर ली आनी चाहिए। आज जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद कल जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपनी टीम को जिताएंगे, तो आपकी तारीफ भी होगी। क्रिकेट में इसी तरह का होता है, आप जब नहीं परफॉर्म करेंगे तो यही लोग सवाल उठाएंगे, जब परफॉर्म करेंगे तो यही तारीफ करेंगे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, स्टोरी की बहुत सारी साइड्स हमने सुनी। अब डिपेंड ये करता है आप किसके साथ हैं, आपकी स्टोरी को लेकर क्या साइड है। क्या आपको लगता है कि हारिस रॉफ को थोड़ा सा सेंसिबली हैंडल करनी चाहिए थी सिचुएशन, जैसे हमने हार्दिक पांड्या को देखा, मे बी वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर सकते थे, थोड़ा साइलेंटली रिएक्ट कर सकते थे, या आपको लगता है कि थोड़ा सा यार फैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फैन हो ठीक है, लेकिन किसी के प्राइवेसी में नहीं घुसना चाहिए, उनका भी एक पर्सनल स्पेस है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।